哦。Uh 9 अक्टूबर 2024 भारत में बुधवार है टुडे इज नाइन्थ अक्टूबर 2024 एंड इट्स वेनसडे इन भारत आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टूडे मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ आज की साकार मुरली मैं इस समय पुणे में पुणे डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में वहाँ पर बाबा का एक सेंटर है रहाटने एरिया में उनका कम्युनिटी रेडियो है तो अच्छा लग रहा है रेडियो के हॉल में चारों तरफ से बंद है और रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी हमको जाना है यहाँ पर डी वाई पाटिल डीम यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सभी कोर्सेस सिखाए जाते हैं मेडिकल पैरामेडिकल और इंजीनियरिंग के तो बाबा की बहुत बड़ी सेवा होने जा रही है कल उसके बारे में सुनाएंगे आज की मुरली बहुत गुहियते गुहिया है वैसे तो पांच प्रमुख बातें आज की मुरली में आई है लेकिन भगवत गीता का जो शब्द है गुह गुहतर और गुह्यतम ये डिग्री है जितना वो रहस्यमय बनते जाती है उतना उसको गुहतम कहते हैं तो गुह्य माना रहस्य जिसलिए हम इस सीरीज को मुरली सीक्रेट्स कहते हैं या रहस्य कहते हैं दुनिया के वो रहस्य जो अभी तक दुनिया जान नहीं पाई है उसका राज बाबा खोल रहे हैं शायद यही कारण है थे कि इस पढ़ाई को राज की पढ़ाई कहते हैं या राजयोग कहते हैं एक है राजयोग माना राजा बनना या राजाओं का राजा बनना और दूसरा राज शब्द है राज माना सीक्रेट्स रहस्य तो भगवान ये सृष्टि के रहस्य बता रहे हैं एक पहली जो भक्ति मार्ग में है जो साइंस भी अभी तक ढूंढ नहीं पा रहा है बाबा ने उसका जवाब दिया हुआ है ये पहली अभी तक अनरिजॉल्व है और कई लोग इसमें अटकते हैं कुछ बाबा के बच्चे भी इसमें अटक जाते हैं क्योंकि जो भक्ति मार्ग में पढ़ा हुआ है साइंस में पढ़ा हुआ है वो इस ज्ञान में प्रश्न उत्पन्न करता है भगवान का क्या स्टांस है भगवान ने आज अपना स्टांस बता दिया अपना पक्ष बता दिया है मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि ये प्रश्न पूछा जाता है अंग्रेजी में कि डिड गॉड क्रिएटेड अस और वी क्रिएटेड गॉड माना क्या ये सच है कि भगवान ने हमको बनाया या हमने भगवान को बनाया तो गॉड ये जो कंसेप्ट है परमात्मा इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं। दो प्रकार के लोग हैं एक आस्तिक और नास्तिक आस्तिक जो भगवान में विश्वास रखते हैं कि एक परम सत्ता है या सुप्रीम अथॉरिटी है जिसको गॉड अल्लाह ईश्वर कहा गया है अभी उसमें भी बहुत सारी मान्यता है कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ करता है तो फुल पावर्स भगवान को दी हुई है और वो कहते हैं कि भगवान मरे हुए को भी जिंदा कर सकते कुछ भी कर सकता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है तो जब सब पावर्स उसके पास है तो फिर नेचुरली उसको खुश करना चाहिए क्योंकि वो खुश होगा तो आपके ऊपर उसकी कृपा बरसेगी रहम होगा तो उसको खुश करने की कोशिश और फिर उसके लिए जो तरीके इस्तेमाल करते हैं भक्ति मार्ग में कि वो खुश हो जाए तो कैसे खुश हो जाएगा तो उसको चढ़ावा चढ़ा के चढ़ावा भी अलग अलग प्रकार का होता है अभी एक है भावना के साथ ये करना और एक है दिमाग से करना इसलिए बाबा ने कहा मेरे दोनों प्रकार के बच्चे हैं दिल वाले और दिमाग वाले तो ये सब चढ़ाते हैं और ये सब भक्ति मार्ग का विस्तार आप जानते हो तो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि इस नाम के ऊपर इन सब प्रथा जो है कर्म कांड है उसके वजह से नेगेटिविटी आ रही है इस मार्ग में लोग भगवान को भी अपने जैसा समझते हैं जबकि भगवान न्याय है तो उनके हिसाब से ये परमात्मा के वजह से ही झगड़े होते हैं एक स्टडी हुई जिसमें देखा कि सत्तर टक्के जो विश्व में युद्ध हुए वो भगवान के वजह से हुए माना मेरा भगवान और तुम्हारा भगवान इसके ऊपर लड़ाई झगड़े है और फिर हम सबके भगवान में किसका भगवान श्रेष्ठ है अभी तो यहाँ तक पहुंच चुके बैटरी यहाँ तक डिस्चार्ज है किसी और धर्म के भगवान को अगर नाम भी लिया तो भी लोगों को गुस्सा आता है <laughs> तो एक दूसरे के दुश्मन बन पड़े हैं और ये दुश्मनी का आधार कंसेप्ट ऑफ गॉड हर एक अलग अलग है इसलिए फिर एक दूसरा वर्ग बना है वो कहता है कि हमको आपका भगवान ही नहीं चाहिए क्योंकि भगवान के नाम पर ही इतने झगड़े होते हैं अगर हम भगवान की कंसेप्ट को ही निकाल दे तो सभी प्यार से रहेंगे लेकिन फिर वहां पर जंगल राज आ सकता है क्योंकि जिसकी लाठी उसी की भैंस तो ये सब कंसेप्ट में बाबा ने आज जवाब दिया है क्योंकि लोग ये पूछते हैं कि भगवान को किसने बनाया भगवान को जन्म हमने ही दिया <laughs> ये प्रश्न बहुत गुरुओं को भी पूछा जाता है गुरुओं को भी भक्ति मार्ग में ये प्रश्न पूछा गया है उन्होंने हर एक ने अपने अपने बुद्धि के अनुसार इसका जवाब दिया है एक गुरु ने कहा कि अगर किसी भैसे को पूछा जाए कि भगवान कौन है कैसा है तो कहेगा वो भी एक भैसा ही होगा क्योंकि भैसा भैंस बुद्धि वाला भैंस को ही भगवान समझेगा ऐसे मनुष्य बुद्धि वाला मनुष्य को ही भगवान समझने लगा कि भगवान भी हमारे जैसा ही है <laughs> तो इसमें फिर बहुत सारी बातें आ गई तो ये सब चिंतन का विषय है तर्क का विषय है इसमें जो भावना वाले है जो इमेज पोर्ट्रेट की गई है माना जो शास्त्रवादियों ने लिखा हुआ है क्या क्या कंसेप्ट है हमारी बहनें इसके ऊपर सेवन डेज कोर्स में सुनाते हैं हम इसका पुरुषार्थ के साथ कनेक्शन देखेंगे कि जो भक्ति मार्ग में श्लोक है हिंदू धर्म में कि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटि माना वो कोटि सूर्य के समान है एक सूर्य को हम देख नहीं पाते उसकी पावर इतने हैं आप सोचो कोटि सूर्य का कितना प्रकाश होगा और फिर वो भक्ति मार्ग में श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है अर्जुन ने कहा कि बस करो मैं इतना प्रकाश सहन नहीं कर पाऊंगा तो ये भावना है और ये भावना में ऐसे सब अनुभव होते हैं, तो ये एक कंसेप्ट है और इसी को लेकर जो भक्ति मार्ग में डोमिनेंट कंसेप्ट अभी चल रहे हैं कि कण कण में भगवान है वो सर्वव्यापी है तुम्हारे में भी है मेरे में भी है किसी ने प्रश्न पूछा ऐसे ही भक्ति मार्ग में कि भगवान ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें सिर्फ दुख ही दुख है तो शास्त्रवादियों ने इसका जवाब दिया कि भगवान अकेला था और उसने अपनी माया से अनेक उत्पन्न किए और ये भगवान का खेल चल रहा है इसको लीला शब्द इस्तेमाल किया है शास्त्रों में कि ये सब भगवान की लीला है और भगवान की लीला अपरंपार है आप इसको ढूंढ नहीं सकते हैं अभी ये भी जवाब है और फिर वो जो आत्मा है वो चौरासी लाख योनियों में भटकती रहती है ये भी जवाब दिया हुआ है आज बाबा ने उसके एक कंसेप्ट को टच किया है कि भगवान जब जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है भगवान जब पुनर्जन्म नहीं लेता है तो वो कैसे जानता है सृष्टि चक्र के बारे में वो नॉलेजफुल क्यों है क्यों उसको ज्ञान का सागर कहते हैं जबकि उसने किसी से ज्ञान सीखा ही नहीं है कोई भी टीचर होता है वो भी किसी से सीखता है यूनिवर्सिटी से तब उसके पास वो नॉलेज आता है बाबा को तो किसी ने सिखाया नहीं है बाबा का किसी से जन्म नहीं हुआ है तो उसके कोई माँ बाप भी नहीं है उसका टीचर भी नहीं है और उसका कोई गुरु भी नहीं है लेकिन फिर भी बाबा सृष्टि चक्र के पूरे नॉलेज को जानता है बाबा सदर्शन चक्रधारी है ये कैसे है तो ये प्रश्न आज बाबा ने इसका जवाब देने की कोशिश की है कि शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर वंडर खाते हैं कि मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ लेकिन चक्र का बिल्कुल एक्यूरेट ज्ञान देता हूँ तो इसका जवाब आज बाबा ने दिया कि मैं चैतन्य बीज हूँ जैसे वृक्ष का बीज होता है वो जड़ होता है लेकिन उसके अंदर पूरा नॉलेज होता है वृक्ष का अंग्रेजी में कहावत है बहुत सुंदर कहावत है अंग्रेजी में कहते हैं यू कैन काउंट सीड्स इन अ सिंगल एप्पल एक सेब में कितने बीज है वो आप गिन सकते हैं लेकिन एक बीज में कितने सेब है ये आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो सेब के बीज जमीन में गिरने के बाद उसके बाद आ, पेड़ बनेगा सेब का फिर उसके अंदर जितने भी सेब लगेंगे उनका बीज जमीन में गिरेगा उनसे अनेक पेड़ पैदा हो गए तो ये अनगिनत हो जाता है तो बीज के अंदर पूरा नॉलेज होता है ऐसे ही शिव बाबा बीज है मनुष्य सृष्टि का और वो चैतन्य होने के कारण वो पूरे कल्प वृक्ष का ज्ञान रखता है लेकिन शिव बाबा ही क्यों है बाकी सब आत्माएं क्यों नहीं है और शिव बाबा को ये पावर्स किसने दिया बीज बनने का ये प्रश्न पूछते हैं लोग अभी ये साइंटिस्ट पूछते हैं जैसे साइंटिस्ट के सामने एक आज भी प्रश्न है कि दुनिया कब शुरू हुई अभी ये थॉट ही गलत है क्यों? <laughs> क्योंकि जैसे ही आपने कहा जैसे इस समय की प्रचलित थेरी है साइंस में कि बिग बैंग थेरी बोलते हैं उसको माना शुरुआत में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और धमाके से अलग अलग टुकड़े हुए एक गोला था आग का वो सब ठंडे होने के बाद उसके ग्रह और तारे बने उसमें का एक ग्रह है पृथ्वी जिसके ऊपर पानी आया फिर उसके अंदर अलग 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 जो भी है यूनिया पैदा हुई सिंगल सेल अमीबा एक पेशी अमीबा अमीबा से मल्टी सेल्यूलर माना अनेक पेशियों के जीव उत्पन्न हुए और फिर आखिर में इंसान पैदा हुआ ये थेरी है साइंस की अभी पूछने वाले ये भी पूछते हैं कि शुरुआत धमाका हुआ तो वो धमाका किया किसने धमाका किया किसने इसका जवाब नहीं है और ये अगर आप मान के चलो वो लोग जितना भी मानते अरब वर्ष है कि साढ़े चार सौ या साढ़े तीन सौ जो भी उनका आंकड़ा है अगर वो चालू हुआ तो जैसे आपने कहा इस समय पे हुआ तो फिर से प्रश्न आता है कि इस समय पे खत्म होगा तो धमाका होने के पहले क्या था खत्म होने के बाद में क्या होगा इसका कोई जवाब नहीं है, दे सकता है इसीलिए इसीलिए भारत ने एक शब्द पूरे विश्व को दिया कि अनादि है इटरनल है ना इसका आदि है ना इसका अंत है इटरनल जवाब से सब शांत हो जाते इसको हम साइंस की भाषा में कहते हैं एंड साइक्लिकल टाइम लीनियर माना एक रेशा में चलने वाला आदि अंत आदि अंत और साइक्लिकल माना सर्कल में घूम रहा है ना आदि है ना अंत है और इसको अनादि शब्द दिया गया और आज बाबा ने ये जवाब दिया है कि शिव बाबा के पास ये कहां से आया तो बाबा ने पूरी जो पावर दी हुई है वो पावर ड्रामा को दी हुई है अभी इस बात को एक्सेप्ट करना या नहीं करना स्वीकार करना या नहीं करना ये हर एक के ऊपर है कि कैसे बाबा ये जानता है सब कुछ ड्रामा ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने कहा अनादि ड्रामा अनुसार बाप का ये पार्ट है अनादि अनादि शब्द बाबा ने आज इस्तेमाल किया है कि अनादि ड्रामा अनुसार बाबा का ये पार्ट है तो ड्रामा अनुसार बाबा ने कहा तो सभी पावर्स बाबा ने ड्रामा को दी हुई है अनादि ड्रामा अनुसार बाबा में ये नॉलेज है फिर प्रश्न पूछते हैं कि ड्रामा बनाया किसने <laughs> तो ड्रामा किसी ने नहीं, नहीं बनाया बाबा का शब्द है मुरली का बनी बनाई बन रही माना यह बनाया है अब यहीं पर लोग अटक जाते हैं क्यों अटक जाते हैं क्योंकि हम हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें हम देखते हैं कि एक चीज का शुरुआत होता है और अंत होता है जैसे बच्चा पैदा हुआ बड़ा हुआ बड़ा शादी हुई बूढ़ा हुआ मर गया तो पैदा हुआ और मर गया तो ऐसे ही इसी प्रिंसिपल को हम इस दुनिया में भी लागू करना चाहते हैं कि ड्रामा चालू हुआ खत्म हुआ पर ये चालू किसने किया और ये ड्रामा में सबको जो रोल किसने दिया कि कोई राजा बनेगा कोई प्रजा बनेगा तो शुरुआत में जब चालू हुआ तो वही ड्रामा रिपीट हो रहा है तो शुरुआत किसने कही मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि ये ब्रह्मा की जो आत्मा है यही हर वक्त ब्रह्मा बनेगी और किसी को चांसी नहीं है यही आत्मा श्री कृष्ण बनेगी और किसी को ही नहीं है ये किसने डिसाइड किया अभी यहाँ पर कुछ लोगों को स्वीकार करना कठिन जा रहा है क्यों कठिन जा रहा है क्योंकि बाबा ने कहा ड्रामा हु रिपीट होता है अभी ये हु रिपीट होने की बात है ये बहुत डिस्टर्ब करती है क्यों क्योंकि मैं ज्ञान में आया जब भी आया जो भी संस्कार है उस अनुसार आया आते ही मुझे पता चलता है कि हु बहु रिपीट हो रहा है तो समझो मेरे द्वारा कोई गलती हुई है ज्ञान में आने के पहले अभी वो हर कल्प में रिपीट होगी दूसरा मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने की योग लगा रहा हूँ सेवा कर रहा हूँ मुरली सुन रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर मैंने अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया तो मेरा उच्च पद मुझे मिलने वाला नहीं है तो उच्च पद नहीं मिलेगा या मैं फेल हो रहा हूं तो हर कल्प में मैं फेल होता रहूंगा अभी ये पाठ किसने लिखा कि मैं हर कल्प में फेल होता रहूंगा तो ये सोचकर कुछ बाबा के बच्चे निराश हो जाते जैसे कल के मुरली का वरदान पे ही मुझे प्रश्न पूछा कि आदि से अंत तक कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए तभी बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं तो मुझे एक आत्मा ने पूछा मैं आया ही गलतियां करके आया हूँ मेरे अंदर वो बॉडी कॉन्शियसनेस का संस्कार है मैंने समझ लिया कि ये संस्कार के वजह से मैंने ये गलतियां की है दे अभिमान में आकर अभी आप कहते हो आया हूँ तब से मेरे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए कैसे एक दिन में संस्कार बदलेंगे संस्कार तो बदलने में टाइम लगता है तो जब तक संस्कार बदले नहीं है तब तक मेरे से गलतियाँ होती रहेगी और ये गलतियाँ होती रहेगी इसका मतलब आदि से अंत तक मैं गलतियाँ करते रह रहा हूँ परसेंटेज भले बदल रही है लेकिन मैं तो दिल तक तो नशीन की लिस्ट से आउट हो गया तो ये मेरे साथ अन्याय नहीं है क्या आप कहते हैं कल्प पहले हुआ था इसलिए इस कल्प में भी मैं यही कह रहा हूं कर रहा हूं अभी ये सोच के कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, तो एक प्रकार से ये ट्रैप लगता है तो इसमें हमारा स्टांस क्या होना चाहिए कौन सी बातों के ऊपर फोकस करना चाहिए तो यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूं बनी बनाई बन रही तो मैं बनाई के ऊपर फोकस करता हूँ बनाई माना मैंने अपना ड्रामा क्रिएट किया है आई एम द क्रिएटर तो इसीलिए आज की दुनिया में भी जो अभी वर्तमान समय जो जितने भी स्पिरिचुअल लोग है या सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर है एक बात के ऊपर जोर दे रहे हैं जो बात मुझे भी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि आपको ड्रामा प्लान अनुसार जो भी रोल मिला हुआ है आप पुरुष के तन में स्त्री के तन में है आप जिस भी धर्म में है जिस भी शरीर में है कुछ लोग ट्रांसजेंडर होते हैं ना पुरुष है ना स्त्री है उनका भी रोल है किसी को कोई बीमारी होती है कोई गरीब है कोई अमीर है जो भी रोल आपको मिला हुआ है आप उस रोल को 100% परसेंट एक्सेप्ट करके अपनी जीवन की यात्रा का आनंद लो अभी यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है आनंद लेने के लिए मर्यादा छोड़ के आनंद लेना है या मर्यादा में रहते हुए आनंद लेना है अभी इस समय एक और फिलोसॉफी की खाओ पियो मौज करो इसका भी शास्त्र में वर्णन है ये चार वाले हैं वो कहते हैं जीवन मिला है केवल इंद्रियों का सुख लेने के लिए और कुछ सोचो ही मत तो ये हर एक हम अंग्रेजी में कहते द बॉल इज इन एवरी वन स्कोर्ट हमको डिसाइड करना है कि मुझे कैसे जीना है अगर हम दूसरों के साथ तुलना करते रहेंगे कि ये आत्मा बहुत पुरानी है बहुत सालों से ज्ञान में है पवित्र जीवन जी रही है और ये बहुत बड़ी सेवा के लिए निमित्त है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मैं पीछे आई हूँ मेरे संस्कार भी नहीं बदल रहे मेरे बंधन भी कट नहीं रहे हैं, मुझे तो बीमारियां है मुझे तो धन की कमी है ये सब आप सोचते रहोगे तो दुखी होने वाले हैं मैं जो सोचता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ मेरा भी बचपन गरीबी में गया है झोपड़पट्टी में आए माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे अभी ये समझ बाबा की मुरली से आई है कि मेरे हाथ में है अपने जीवन को क्रिएट करना इसलिए बनाई है ना बनी है बनाई है और बन रही है तो बनाई के ऊपर अगर हम फोर्स करेंगे कि आई एम क्रिएटिंग माय ड्रामा मैं अपना ड्रामा निर्माण कर रहा हूं और मैं किसी को दोष नहीं देता हूं मेरे ड्रामा के लिए मेरा एक एक है, है माना एक thought है कि ऑफ माय लाइफ मैं अपने जीवन की संपूर्ण जिम्मेवारी उठा लेता हूं कि आई एम हंड्रेड परसेंट रिस्पॉन्सिबल मैं सौ प्रतिशत जिम्मेवार हूँ क्योंकि मेरे मन में जो विचार आते हैं मेरे जो बोल है और मेरे जो कर्म है वो मैं उनको जन्म दे रहा हूँ ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है आई एम क्रिएटर मैं क्रिएटर हूँ मैं रचयिता हूँ किस चीज का तो मेरे विचारों का मेरी भावनाओं का मेरे कर्मों का मैं रचयिता हूँ कैसी भी परिस्थिति हो गरीब अमीर बीमार स्वस्थ किसी भी धर्म में अगर मेरे विचार पॉजिटिव है श्रेष्ठ है तो मेरी भावनाएं भी पॉजिटिव और श्रेष्ठ होगी तो इस समय लोग कहते हैं कि एंजॉय द जर्नी अपने जीवन की यात्रा का आनंद लो और जीवन इस तरह से जियो कि सभी से दुआएं और आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ो जब आप ये लक्ष्य रखते हो तब आप तुलना में से निकलने के चांसेस है क्योंकि तुलना करेंगे तो दुखी हो जाएंगे अपने रोल को संपूर्ण स्वीकार करके अपना रोल बहुत अच्छी तरह से निभाना है मैं तो स्कूल कॉलेज के बच्चों के सामने बॉलीवुड की भाषा में ही बोलता हूँ कि हिंदी का एक चित्रपट आया था बावरची जिसमें राजेश खन्ना ने घर के नौकर का काम किया था अभी वो था बावरछी माना खाना बनाने वाला लेकिन उसको अवार्ड मिला क्यों क्योंकि उसने नौकर का रोल भी बहुत अच्छी तरह से निभाया तो मैं यही कह रहा हूं शायद बाबा भी यही कह रहा है कि अपने ड्रामा में अपने रोल को पूरी तरह से स्वीकार करो और उसे इस तरह से निभाओ लौकिक में ऐसे कहते हैं कि अपना किरदार इस तरह से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजते रहने चाहिए और बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अगर आपको विश्व का राज्य चाहिए तो बाहुबल से नहीं लेकिन योग बल से आप ले सकते हो मम्मा का उदाहरण हमने कुछ दिन देखा मम्मा के पास पैसा नहीं था लेकिन धन की देवी लक्ष्मी बने ज्ञान को गहराई से जाके मनन चिंतन किया अपने आप को दिव्य गुणों से भरपूर किया और आज विश्व की महारानी बनी तो आज ये दूसरी पॉइंट आई है ब्रह्मा और नारायण एक ही आत्मा है सरस्वती और लक्ष्मी ये भी एक ही आत्मा है यहाँ पर भी बहुत भाई बहनों को कंफ्यूजन है अभी ये बहुत स्पष्ट है कि ब्रह्मा की आत्मा यहां से शरीर छोड़ के जाएगी नारायण की आत्मा बनेगी सरस्वती की आत्मा शरीर छोड़ के लक्ष्मी की ये दोनों एक ही आत्मा है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ब्राह्मण दो होते एक धामा और दूसरा गीता सुनाने वाले तो वो ब्राह्मण तो श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं बाबा ने कहा श्री कृष्ण देवता है क्योंकि उसके अंदर दिव्य गुण है और उसको अपना शरीर है भगवान माना जिसको अपना शरीर नहीं है वो परकाया प्रवेश करते तो वो निराकार ज्योति स्वरूप है तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है तीसरी जो धारणा की बात आज की मुरली में आई है जिसकी तरफ मेरा विशेष ध्यान गया भले आपको ज्ञान नहीं समझता ये ज्ञान की बातें जो हमने अभी सुनी बहुत डिफिकल्ट है तो उन्हें छोड़ दो मैं कह रहा हूँ धारणा के ऊपर अपना फोकस करो आज बाबा ने बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट को टच किया है कि कई लोग कहते कि हम राइट right है तो हम सहन क्यों करें मुझे ही सहन करना पड़ता है मुझे ही मरना पड़ता है तो बाबा ने स्पष्ट कहा देखो बाबा के शब्द कितने सुंदर है बाबा ने कहा यह सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है तो जब कोई कहता है कि मैं सहन नहीं करूँगा या मुझे मरना नहीं है तब वो इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि मुझे धारणा के सब्जेक्ट में नंबर नहीं लेना है इस में भी कैच है हर स्थान पे आपको बैलेंस को समझना है एक सिंड्रोम होता है उसको कहते हैं बॉयल फ्रॉक सिंड्रोम वो बॉयल फ्रॉक सिंड्रोम साइकोलॉजी का है मनोविज्ञान का कि मेंढक जो होता है उसके अंदर एक विशेषता होती है कि बाहर के टेम्परेचर के साथ अपने बॉडी को एडजस्ट करता है तो साइंटिस्ट ने प्रयोग किया एक बर्तन में पानी डालकर उसमें मेंढक को रखा और नीचे से धीमी आंच पर उस पानी को गर्म करने लगा तो मेंढक ने महसूस किया कि पानी का तापमान बढ़ रहा है तो उसने अपने आप को एडजस्ट करके अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना चालू किया धीरे धीरे पानी उबलने लगा और फिर मेंढक ने सोचा अभी तो शरीर छूट सकता है इसलिए जम लगाना चाहिए लेकिन मेंढक की सारी शक्ति सहन करने में चली गई और वो बर्तन से बाहर जंप नहीं मार पाया और वो बॉईल होके मर गया उसको कहते हैं बॉइल्ड फ्रॉक सिंड्रोम तो कई लोग इसका उदाहरण देके कहते हैं सहन भी कितना करना चाहिए इसकी भी लिमिट होती है अगर आप ज्यादा सहन करो तो आपकी जान जा सकती है अभी ये कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट हो जाती है कि कितना सहन करना चाहिए भगवान कहता है <laughs> सहन ही करना है मुझे ये प्रश्न बहुत लोग पूछते कब तक और कितना सहन करना है मुझे अंदर से तकलीफ हो रही है बाबा ने कहा मजबूर से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना इसमें अंतर है बातों के कारण सहन नहीं करते हो लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो तो आज्ञा समझ मोहब्बत से जो सहन करते हैं अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेते इसी की मार्क्स है अभी आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ आप क्या डिसीजन लेते हैं है। लेकिन सहन बाबा के हिसाब से मरने तक सहन करना है बाबा ने एक मुरली में कहा पवित्रता के लिए मरना पड़े तो मर जाना चाहिए अभी शिव भगवान वो लोग तो देखो प्यार में अपनी जान देने को तैयार हो जाते हद के देदारी का प्यार विनाशी पार इंद्रियों का सुखों का राजा ही के लिए एक दूसरे को खत्म कर देते हैं बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने में सहन करो तो इसकी मार्क्स मिलेगी ऐसे बाबा के बच्चे खुश रहते हैं खुशी की खुराक खाते हैं, इसलिए तंदुरुस्त रहते हैं इसलिए इस समय ये कलयुग के जो भी बंधन है उन्हें भूल कर युगी ब्राह्मण समझना है सच्ची गीता सुननी और सुनानी है अपना सब कुछ सफल करना है और देवता बनाने के लिए पाठशाला और म्यूजियम खोलना है आज की पूरी मुरली है टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूंगा योग बल को बढ़ाना है क्योंकि बाहुबल से विश्व का राज्य नहीं ले सकते ये एक लॉ है बाबा ने कहा कि योग बल से बढ़ाते जाओ और अपना सब कुछ सफल करो पुराने संबंधियों को कलयुग के जो बंधन वाले संबंध है उनको भूल के संगम युगी ब्राह्मण समझना है गीता सुननी और सुनानी है म्यूजियम खोलने बाबा के समय सब समाप्त होने के पहले अपना सब कुछ सफल करना है बाप की आज्ञा समझ के सहन करना है मोहब्बत में सहन करना है इसकी मार्क्स लेनी है और सदा खुशी में रहते खुशी की खुराक खाते स्वयं को तंदुरुस्त रखना है अच्छा ओम शांति